हे गाइस, वेलकम टू स्पार्टन। सो आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आई होप आप सबको पता ही होगा, लगभग लगभग पबजी मोबाइल का 2 साल होने वाला। 27 मार्च 2020 को हम लोग का 2 साल एग्जैक्टली पबजी मोबाइल में हो जाएगा। उसका 2 साल पहले 2018 में हम लोग का प्ले स्टोर में पबजी मोबाइल आया था। उससे पहले फेबरी में लॉन्च हुआ था, बट वो बीटा वर्जन में था। तो मैं बीटा वर्जन से ही खेल रहा था पबजी मोबाइल का, वेबसाइट में ये चीज़ आया था। बट प्ले स्टोर में हम लोग का 27 मार्च 2018 को ये चीज़ आया है। और आपको पता होगा, अगर आप बहुत पुराने प्लेयर होंगे तो आपको पता होगा पहले का मुकाबले अभी पबजी जमीन आसमान का फ़र्क है दोनों का। अगर आप इंटरफेस भी देखेंगे, गेम का तरीका भी देखेंगे, जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ एक नया सीरीज स्टार्ट करने के लिए। और उसके साथ साथ आपको और चीज़ बता देता हूँ कि सीज़न 11 जो रॉयल पास, वो काफ़ी अच्छा है। आप सबका कमेंट में पड़ा सीज़न 10 का मुकाबले आपको पता होगा बहुत अच्छा है। बट मैं और चीज़ बताना चाहूँगा कि सीज़न 12 इससे भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम लोग का मार्च में जो नेक्स्ट सीज़न 12 आने वाला है उसमें एनिवर्सरी अपडेट होने वाला है। और एनिवर्सरी अपडेट का जो रॉयल पास होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, सबसे यूनिक होता है। तो जैसे कि आपको पता होगा सीज़न 6 में हम लोग का पहला एनिवर्सरी अपडेट था, तो वो सीज़न 6 मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। उसका जो आउटफिट है अभी भी मुझे पसंद है, उसमें से एक आउटफिट मेरा सबसे पसंद है जो कि मिथिक आउटफिट था, बिलियन एनिवर्सरी सिटी है, मेरा अभी भी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट मिथिक आइटम है। तो आप बोल सकते सीज़न 12 भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो गाइस, अगर आप ये गेम को बहुत पहले से खेलते हो 2018 से, तो आपको पता होगा ये गेम में बहुत सारी चीज़ें आया था, बट टाइम के साथ साथ ये गेम, मतलब जो जो फीचर आया था या जो जो मैप आया था, उसको वापस ले लिया गया कुछ रीज़न के चलते। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने के लिए। और ये सीरीज़ में हम लोग करेंगे ये कि हम लोग जितने भी पबजी मोबाइल का 2 साल में इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट मतलब गेम के अंदर क्या क्या चीज़ आया, उसको वापस क्यों ले लिया गया, तो उससे रिलेटेड एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे और रीज़न के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो गाइस, ये सीरीज़ में 2 फायदा होगा। सबसे पहला जो फायदा ये होगा कि आपको थोड़ा यूनिकनेस देखने को मिलेगा, क्योंकि एक जैसा कंटेंट देख देख के आप भी बोर हो रहे हैं और मुझे भी एक जैसा कंटेंट बनाना अच्छा नहीं लगता। उसके साथ साथ जो जो पबजी मोबाइल को रिसेंटली ज्वाइन किया, मतलब 2019 को ज्वाइन किया है या 2020 को, तो नहीं 2019 को ही होगा, 2019 को ज्वाइन किया है, तो उन लोग को भी बहुत कुछ पता चलेगा कि पहले हम लोग जब पबजी खेलते थे तो कैसा लुक था, क्या क्या चीज़ था, और अभी का मुकाबले कैसे अलग था। तो नया नया चीज़ भी जानने को मिलेगा, यूनिक चीज़ भी देखने को मिलेगा और आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। सो गाइस, वो सीरीज़ का आज पहला वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे आर्केड मोड में जो अलग अलग मैप है वो क्यों नहीं लगता गेम प्ले में, और पहले क्यों ये चीज़ लगता था। तो ओवरऑल आपको रीज़न बताऊँगा, उसके साथ साथ कुछ अलग अलग चीज़ भी निकल के आएगा, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि कितना लोग को पता है कि आर्केड मोड में इरांगल छोड़ के सैनॉक और मीरामार भी है। तो ये चीज़ आपको पता है तो हैशटैग यस लिखिए, और अगर आपको ये चीज़ नहीं पता, ये वीडियो को पहले पता नहीं था कि आपको लगा कि आर्केड मोड में केवल इरांगल मैप ही है, तो आप कमेंट बॉक्स में हैशटैग नो लिखिए। तो गाइस, ये चीज़ आप सोचिए, अगर आप हैशटैग नो लिखेंगे कमेंट बॉक्स में तो आपके ऊपर सब हंसेगा। अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली पबजी मोबाइल वैसे ही कर रहा है। आपको जब भी आप आर्केड खेलते होंगे तो आपको इरांगल मैप ही देखने को मिलता है, कभी आपको मीरामार और सैनॉक मिला ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि इरांगल में, मतलब आर्केड में इरांगल छोड़कर कुछ मैप है भी कि नहीं। तो अगर आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में नो लिखिए, और अगर आपको पता था कि हाँ ये आर्केड मोड में इरांगल मीरामार और सैनॉक भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं क्यों आर्केड मोड में आपको मीरामार और सैनॉक मैप देखने को नहीं मिलता। मैं थोड़ा बहुत आपको गेम प्ले भी दिखा दूंगा। गेम प्ले मतलब क्या, जिन जिन लोगों को पता नहीं कि आर्केड मोड मतलब सैनॉक में भी है, मीरामार में भी है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको फोटेज दिखा दूंगा जिससे आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपको आर्केड मोड में कभी कभी सैनॉक और मीरामार भी देखने को मिलता है, बट वो बहुत रेयर केस है। रेयर केस किस लिए, वो मैं आपको सबसे पहला रीज़न दिखाने वाला। तो पबजी मोबाइल पहला रीज़न आपको दिखाता है ये कि अगर आप आर्केड में क्लिक करेंगे तो ये जो तीनों मोड आप देख पा रहे, क्विक मैच, स्नाइपर ट्रेनिंग मोड और वॉर मोड, तो इसमें अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें कम्प्लीटली क्लियरली लिखा हुआ है मैप्स इरांगल, मीरामार, सैनॉक। तो ये चीज़ बहुत लोग को पता नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि आप जब भी क्विक मैच स्टार्ट करते हैं या स्नाइपर ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं या वॉर मोड स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि हमेशा आपको इरांगल ही देखने को मिलता है। और वॉर मोड में तो मुझे कभी भी आप बोल सकते हैं दूसरा मैप देखने को मिला ही नहीं, हमेशा तो इरांगल ही मिलता है। तो ये चीज़ आप देख पा रहे कि तीनों, अगर आप मोड देखेंगे चेक करेंगे तो तीनों में आप देख सकते हैं इरांगल, मीरामार, सैनॉक, और इसमें भी आप देख पा रहे हैं इरांगल, मीरामार, सैनॉक। तो अभी आपके दिमाग में आ सकता है कि विकेंडी क्यों नहीं लिखा गया। विकेंडी को इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि उस टाइम विकेंडी लॉन्च नहीं हुआ था, बहुत दिन तक ये बीटा फेज में था विकेंडी, इसी चलते जब ये लॉन्च हुआ बहुत टाइम हो गया। और जैसे कि अगर पता होगा रैंडम में ये तीनों मैप में से एक ही मैप लगता जाता है, तो विकेंडी लैब के भी कोई फ़ायदा नहीं। तो विकेंडी इसीलिए नहीं आया क्योंकि बहुत लेट में लॉन्च हुआ, बहुत दिन तक बीटा फेज में था, और उसके साथ साथ जब इतना सारा मैप है वो सब भी नहीं लगता तो विकेंडी कहाँ से लगेगा। सबसे पहला रीज़न आप देख पा रहे, इसमें पबजी मोबाइल खुद ही बोला है कि अगर आपका मैप सब डाउनलोड नहीं है, अगर आपका ये जो क्लासिक मोड में ये सब मैप आप देख पा रहे चारों मैप, अगर ये डाउनलोड नहीं है तो आपको केवल इरांगल ही लगेगा। बट आपके क्वेश्चन अभी आ सकता है कि मेरा चारों मैप डाउनलोड है फिर भी क्यों नहीं लगता, तो ये
एग्जैक्ट सेम रीज़न है। इसमें ये होगा कि आप तो डाउनलोड कर ले, मगर आपका सर्वर में बाकी लोग डाउनलोड ही नहीं किया तो कैसे मैच मेकिंग होगा। तो ऑब्वियस से बात है कि इरेंगल मैप आपको डाउनलोड करना नहीं पड़ता है, सबका डाउनलोडेड रहता है, तो जब भी कभी मैच मेकिंग होता है तो इरेंगल के साथ ही होता है। और इसलिए आप बोल सकते हैं इरेंगल मैप लगने का जो परसेंटेज है वो 85% है, और मीरामार लगने का परसेंटेज वो 5% है, और बाकी जितना परसेंटेज बचा है 10% वो सैनॉक लगने का है। तो मीरामार तो बहुत, अब बोल सकते एशिया सर्वर में मीरामार कोई खेलता ही नहीं, लगभग लगभग नाका बराबर है, 5% लोग खेलते थे, 5% आपको लगने का चांस है। सैनॉक 10% लोग खेलते थे, सैनॉक लगने का चांसेस भी 10% हो जाता है। और जैसे कि आपको पता होगा इरेंगल मैप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, तो इरेंगल मैप आपको हमेशा लगता है, क्योंकि इरेंगल जैसे आप गेम डाउनलोड करेंगे तो इरेंगल मैप आपको मिल जाता है स्टार्टिंग में। तो ये था पहला रीज़न जिसके चलते आपका मैप लगता नहीं, क्योंकि आपने मैप डाउनलोड नहीं किया। और सेकेंड रीज़न ये कि अगर आप मैप डाउनलोड करते भी तो आपका टीममेट या आपका जो एनिमी आएगा वो मैप नहीं डाउनलोड करता, और मैच मेकिंग करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए पबजी हमेशा आपको पुश करता है इरेंगल में, और आपको अगर पसंद भी नहीं है तब भी आपको खेलना पड़ता है। सेकेंड जो रीज़न ये है कि अभी जैसे कि आपको पता है क्लासिक मोड बहुत लोग को पसंद है, और उसके बाद आर्केड को छोड़ के ईवो ग्राउंड बहुत लोग को पसंद है, तो जो सर्वर में जो आप बोल सकते हैं एनिमी है या बोल सकते हैं आपका जो ओपोनेंट होगा वो ज़्यादातर लोग क्लासिक मोड खेल रहे हैं या तो ईवो ग्राउंड खेल रहे हैं। आर्केड बहुत कम लोग प्रीफर करते हैं, क्योंकि रॉयल पास में अगर मिशन को कंप्लीट करना होगा तभी जाकर लोग आर्केड मोड में ज़्यादातर आते हैं, एकदम ना के बराबर आर्केड मोड खेलते ही चलते। आप बोल सकते हैं जितना भी लोग आता है आर्केड मोड में तो पबजी उसको मैच मेकिंग करके इरेंगल में पुश कर देता है, तो बाकी मैप मिलने का चांसेस एकदम कम हो जाता है। तो सेकेंड रीज़न में आपको पता चल गया होगा। तो एक्जैक्टली यही पॉइंट में आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि स्टार्टिंग में जब हम लोग पबजी मोबाइल खेलते थे तब हम लोग का आर्केड मोड में एकदम रैंडम था, एक मैप मीरामार मिलता था, मतलब एक मैच मीरामार मिलता था, अगर आप दूसरा मैच खेलते जाते थे तो आपको इरेंगल मिलता था। बट ये चीज़ अभी इसलिए पॉसिबल नहीं है, उसका रीज़न मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि मैप सब है उसको अलग अलग डाउनलोड करना पड़ता है, बट पहले आपको ये चीज़ डाउनलोड करना नहीं पड़ता था, क्योंकि आपको ऑलरेडी गेम के अंदर इरेंगल और मीरामार डाउनलोडेड मिलता था, तो सबके पास दोनों मैप अवेलेबल है, तो आप मैच मेकिंग करेंगे तो इजीली आप बोल सकते हैं मीरामार का मैच मेकिंग हो सकता है, इरेंगल का मैच मेकिंग हो सकता है। तो ये है पहला रीज़न। सेकेंड रीज़न ये है कि पहले आपका ईवो ग्राउंड नाम का कुछ भी चीज़ नहीं था। ईवो ग्राउंड आपका क्या करता है, टाइम टेकिंग नहीं होता है, फटाफट आपका सब कुछ हो जाता है, गन आपको पहले से मिल जाता है, तो इसलिए आप अगर कोई भी प्लेयर को थोड़े टाइम के लिए खेलना 5-10 मिनट के लिए तो वो ईवो ग्राउंड प्रीफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू आर्केड। सो गाइज अभी आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते मेरे को कि अभी अगर मुझे खेलना रहेगा मीरामार और सैनॉक तो कैसे आप खेल सकते हैं, तो इसका मैं एग्जैक्ट आंसर तो अभी दे नहीं सकता, एग्जैक्टली आपको हमेशा लगेगा या नहीं लगेगा मुझे नहीं पता, बट कुछ ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो मैंने बहुत सारे YouTube वीडियो देखा, तो जो भी वीडियो अवेलेबल था जिसमें मैं हम लोग देखे कि कैसे हम लोग मीरामार और सैनॉक में आपको लगा सकते, वो बहुत ही पुराना वीडियो था, 1 से 1.5 साल हो चुका है। तो गाइस वो सब जो वीडियो है वो एग्जैक्टली सही था, बट उस टाइम के लिए, ये वर्जन के लिए नहीं है। उन लोग का जो कॉन्सेप्ट था वो कभी कभी इसमें भी काम कर रहा न्यू वर्जन में, बट मुझे लगता है बहुत रेयरली काम कर रहा है, क्योंकि इसमें भी आप बोल सकते हैं मैप डाउनलोड का जो कॉन्सेप्ट है आप बोल सकते हैं आता है। तो गाइस उन लोगों का जो मेथड था मैं आपको समझा देता हूँ, वो वाला मेथड आप ट्राई कर सकते हैं, बट पहले के मुकाबले आपको चांसेस जो रहेगा वो कम हो जाएगा। तो उन लोगों का मेथड बहुत सिंपल था, अगर आपको मीरामार और सैनॉक में मैच खेलना है तो आपको सिंपली करना ये है कि वो क्लासिक मोड में वो वाला मैप को सिलेक्ट करके रखना है, उसके बाद आर्केड में जाना है, और उसके बाद आपको ये कोई भी दोनों में से कोई भी एक मोड करके ओके कर देना है, और आपका चांसेस है कि सैनॉक मिल जाएगा। बट पहले ये चीज़ हमेशा 100% एक्यूरेट होता था, बट अभी ये बोल सकते 50-50 हो चुका है कि आपको मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो सुबह का मैं एक दो मैच ट्राई किया तो वो मेथड में लगा मुझे अच्छा लगा कि हाँ वो मेथड कभी कभी काम कर रहा है, बट पहले 100% काम करता था, अभी वो 50-50 में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर आप सही में चाहते हैं सैनॉक खेलना है तो आपको डेफिनेटली एक बार ये सब जो ट्रिक है उसको अपनाना पड़ेगा। क्लासिक मतलब क्लासिक मोड में जो मैप आपको खेलना वीकेंडी नहीं है, एक चीज़ पहले बता दो, आपको मीरामार ने तो सैनॉक को सिलेक्ट करना होगा दोनों, तो सैनॉक का लगने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मीरामार, तो सैनॉक में आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद सिंपली आपको करना यह है कि आपको आर्केड में जाना होगा और दोनों में से जो मोड खेलना है उसको ओके करके स्टार्ट कर दीजिए, चांसेस है कि आपको सैनॉक मिल सकता है। तो हम लोग एक बार ट्राई करते हैं, देखते मिलने का चांस है कि नहीं, क्योंकि मैं सुबह को 5-6 मैच ट्राई किया ये वाला तरीका से, तो ये वाला तरीका काम कर रहा है, मतलब बहुत कम काम कर रहा है। अगर 5 मैच में ट्राई किया तो 2 मैच में लग रहा है और 3 मैच में वही इरेंगल ही लग रहा है। तो अभी हम लोग देखेंगे आपके सामने, मैं फिर से आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। तो फिर से इसको मैं
शानॉक में क्लिक करता हूँ, आर्केड में इसको क्लिक करता हूँ और क्विक मैच में लगा देता हूँ स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ कि लगता है कि चांसेस बहुत कम है क्योंकि इरेंगल लगने का ज़्यादा चांसेस है जैसे कि मैं आपको बहुत सारे रीज़न बताया, बट फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे। अगर बहुत लोग ये वीडियो देखने के बाद मन करता है कि आर्केड खेला जाए इरेंगल सॉरी शानॉक और मीरामार में, तो ये वाला ट्रिक आप अपना सकते हैं, बट मुझे लगता है कि चांसेस बहुत है वो कम हो जाता है। ओके गाइस, जैसे कि आप देख पा रही है इरेंगल लग गया, तो फिर से हम लोग को एक दो बार ट्राई करना हो क्योंकि और कोई तरीका नहीं, पबजी आपको कोई तरीका नहीं देता है इसमें, तो ऐसा नहीं है कि आपको मैप सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो दो तीन मैच आपको ट्राई करना होगा। अगर आप सच में खेलना चाहते हैं आर्केड में शानॉक तो वैसे वाला ट्रिक आपको दो तीन बार ट्राई करना होगा। इस बार हम लोग क्या करेंगे, मीरामार और शानॉक दोनों सिलेक्टेड रखते हैं और उसके बाद फिर से हम लोग आर्केड में सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं लगेगा कि नहीं। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि दो तीन बैच ट्राई करने के बाद एक बार गलती से लग गया, वैसे ही अब कम्प्लीटली रैंडम हो चुका है, अब मिलने के चांसेस एकदम कम हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता दिया कि रीज़न क्या है, पहले क्यों ये चीज़ लग जाता था एकदम रैंडमली मीरामार और आपका इराकल, बट अभी क्यों नहीं लगता क्योंकि दोनों का मैप को डिफरेंस बता दिया, पहले मैप डाउनलोड करना नहीं पड़ता था, अभी मैप डाउनलोड करना पड़ता, ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सीरीज में आपको बहुत सारा और भी वीडियो देखने को मिलेगा, और आपके पास कोई अलग टॉपिक है तो डेफिनेटली सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा डेफिनेटली लाइक दे सकते, चैनल पर नया अगर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल बेल का आइकन होता है उसको भी क्लिक करते, उससे ये होगा जब भी न्यू आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपने कोई वीडियो मिस नहीं करेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।